तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? सब लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, यही आशा करती हूँ। और हम सभी बहुत ही अच्छे। और मैं आज व्लॉग शुरू कर रही हूँ दोपहर के 1:30 बजे, क्योंकि सुबह से हम बहुत ज्यादा बिजी थे। आज मुझे एक मेकअप भी था, उसके बाद ब्राइडल का अपॉइंटमेंट भी था, घर पे भी थोड़े काम थे। एक मिनट बात करते हैं, रुको। तो फ्रेंड्स, मुझे बीच में वीडियो कट करना पड़ा, क्योंकि क्या है ना, हर किसी की हम प्राइवेसी भंग नहीं कर सकते ना। तो लिफ्ट में कोई आ रहे थे, तो उस वजह से मैंने वीडियो ऑफ किया। और उसके बाद में, जैसे कि आपने देखा, मैं मोर गई। मोर में मैंने पनीर वगैरह सब खरीदी किया। और अब मैं आई हूँ घर और मैं छील रही हूँ मटर। मटर छिले हुए होते तो थोड़ा और जल्दी काम हो जाता था, बट मैं भी बता के नहीं गई थी जानू को कि छील के रख दे। अब मैं पहले मटर छीलूंगी। मैंने आज मटर पनीर की सब्ज़ी, मुझे आज बड़ी मन कर रही है खाने की। एक्चुअली जब आज मैं मटर लाए थे ना, मैं उसी दिन से मटर की और पनीर की सब्ज़ी बनाना चाहती थी, बट पनीर लाने को ही नहीं हो रहा था। तो फाइनली, क्योंकि गणपति की बुकिंग की वजह से हम इतना घूम रहे थे, इतना उसके पीछे थे ना, तो अब वो टेंशन कम हुआ है। तो अब जो है थोड़ा, और आज ना मुझे बस सुस्सा लग रहा है, मतलब ऐसे। तो मैं पनीर खाऊंगी तो मुझमें शक्ति आएगी। शक्तिवर्धक पनीर मुझे पसंद है, इसलिए अपने पसंद की सब्ज़ी बना के मैं अपने आप को ही ट्रीट देने वाली हूँ। अपने आप को ही ट्रीट देना, ये बहुत ज़रूरी होता है। अपने आप को ही खुश रखना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। अपनी पसंद की चीज़ें खुद ही बना के खाने में तो अलग ही मज़ा होता है, और मुझे अपनी पसंद की चीज़ें खुद ही बना के खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स, और अभी हमको क्लीनिंग की शुरुआत करनी है, मतलब गणपति बप्पा के स्वागत के लिए पूरे घर की क्लीनिंग, ईच एंड एवरी कोना एंड कोना क्लीन करना है। तो हम संडे से एक्चुअली उसका काम शुरू करने वाले। संडे मुझे एक मेकअप ऑर्डर है, तो वहाँ से आने के बाद पूरा दिन हम साफ़ सफाई में ही लगने वाले, क्योंकि दो ही संडे हमको मिलने वाले हैं साफ़ सफाई के लिए। और उसके बाद फिर नेक्स्ट संडे तो गणपति बप्पा घर पर रहेंगे, तो उससे पहले सारी अच्छे से हम ख़त्म कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा जो है वो छिलका गिलका निकाल लूँ, थोड़ा सब्ज़ी की तैयारी वगैरह कर लूँ, फिर आपसे वापस मिलती हूँ। क्योंकि मैं आपसे आपको देखते देखते यहाँ पे नीचे छील रही हूँ, कोई अगर कीड़ा गीड़ा चला गया तो पता भी नहीं चलेगा। चलिए बाय। तो हमारी थाली रेडी है, और ये थाली ये खाने वाली है। अरे क्यों क्यों मुझको छुपाया है? इतनी अच्छी तो थाली सजाई, आज तेजू ने सजाई है। भाई देवे थाली तो नहीं खाई, खा ले अभी, बाद में खाएगा। अरे मेरी चपाती। हाँ चलो, अच्छी नहीं जल्दी। मुझे सोना है आज। आज मैंने जल्दी जल्दी इतना मस्त खाना बनाया, पनीर, सोया चंक्स, मटर, टमाटर, ये सब डाल के मैंने सब्जी बनाई और मैंने वो खाई, और उसकी वजह से ना मुझे नींद आ रही। और मैंने एक डोलो की गोली भी ली, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। मुझे सोने दे, जाना है एक आधा घंटा, फिर जाना है पार्लर को। पहली कितने दिनों बाद तो दोपहर में सोने को मिल रहा है। मुझे बहुत पसंद दोपहर में सोना, लेकिन नहीं सोना चाहिए, उससे से वेट बढ़ता है। वेट बढ़ने की सारी चीज़ें मैं करती हूँ। जाओ मुझे सोने दे। ना सुनना नहीं है ना मरला, तो निकल वो वहाँ से, हटा सावन की घटा खा को जाए, बत्ते बुझा चिंटकले मंटकले। बाय बाय। अभी सच्ची में जाने तो मुझे मलाक तो मार के भगाऊंगी। अरे नहीं, कड़ों पर बैठी निकलो पनीटी ना हैंग करने नहीं नगर निकलो पनीटी जाना रे। तो फ्रेंड्स, रात के बज चुके हैं 8, और अभी मेरे क्लाइंट्स ख़त्म हुए। अब मैं थोड़ी सी फ्री हुई हूँ, तो अब आप लोगों से बात कर रही हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है, इवन मेरे पार्लर में जितने भी क्लाइंट्स आते हैं उन्होंने भी ये सवाल मुझसे किया है कि आपने जिम जाना छोड़ दिया है क्या। मेरे चेहरे पे आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि मैंने जिम जाना छोड़ दिया है। तो बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा कि आपने जिम क्यों छोड़ा, आपने एक्सरसाइज क्यों छोड़ा,
वगैरह वगैरह। तो आज मैं उनके जवाब देना चाहती हूँ कि मैंने जिम क्यों छोड़ा। मैंने जिम छोड़ा नहीं है, मैंने जिम से थोड़ा सा गैप ले लिया बिकॉज ऑफ माई लेफ्ट नी और मेरा घुटना, लेफ्ट वाला जो घुटना है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी थी और मुझे बहुत पेन हो रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे थोड़ा सा रेस्ट के लिए बोला, उन्होंने कहा कि जिम और एक्सरसाइज थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, वॉकिंग भी लाइट वॉकिंग कीजिएगा, और चाहे तो आप अपर बॉडी एक्सरसाइज कर सकते हैं बट लोअर बॉडी एक्सरसाइज नहीं करना है, पैर पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा था एटलीस्ट 2 मंथ्स के लिए। तो सितंबर तक 2 मंथ्स हो जाएंगे कि मैं अपने पैरों को रेस्ट दे रही हूँ, इसलिए जब भी चॉकलेट्स भी बना रही हूँ तो मैं ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि मैं बैठ के बनाऊँ। और पार्लर में तो ओनली फेशियल एक ऐसी चीज़ है जब मैं बैठती हूँ, बाकी सारी चीज़ें तो मुझे खड़ी देखी करनी पड़ती है, हेयर कट हो, आईब्रो हो, या फिर क्लाइंट के साथ जब मैं, अभी तो ट्रायल्स चल रहे हैं सारे क्लाइंट्स के, तो बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ रहा है, मेकअप स्टार्ट हो चुके, मेकअप्स में भी खड़ा रहना पड़ता है। तो खड़े रह के करने की चीज़ें मेरी बहुत सारी है, क्योंकि मैं घर पर भी जो भी पूरा खाना बनाती हूँ वो भी मैं स्टैंडिंग पोजिशन में होता है। तो उस वजह से क्या है ना, मुझे थोड़ा पहले से ही वो थोड़ा मेरा लेफ्ट नी का प्रॉब्लम था ही, तो उस वजह से अब वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, उस पर स्वेलिंग आ चुकी थी। तो अब मुझे ग्रिप बैंडेज पहन के ही खड़ा रहने के लिए बोला डॉक्टर ने, विदाउट ग्रिप बैंडेज खड़े नहीं रहना, विदाउट ग्रिप बैंडेज चलना भी नहीं। इनफैक्ट मेरा लेफ्ट एंकल जो है उस एंकल में भी प्रॉब्लम है, तो मुझे एंकल बेल्ट नी कैप पहन के ही रहना पड़ रहा है पूरे दिन भर, तो मुझे पेन नहीं होता। जब जैसे ही मैं वो निकाल के खड़ी रहती हूँ या चलती हूँ तो मुझे पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से मैंने जिम से गैप ले लिया है कि मैंने जिम छोड़ा नहीं है। मतलब ये मत सोचिए कि हो गया ख़त्म, 3 महीने गई, हो गया, 3 महीने वीडियो डाली, अभी को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। और ऑब्वियस है कि मेरा थोड़ा नया बिजनेस जो मैंने स्टार्ट किया है उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ रहा है, जब भी आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हो तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। और चॉकलेट ये ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि वो बहुत डेलिकेट काम है, उसको बहुत आराम से बनाना होता है, और खाने की चीज़ आप ऐसी हैवी नहीं बना सकते, उसको बहुत ही पेशेंस से नीटली बनाना है, तो उसके पीछे भी मेरा थोड़ा टाइम जा रहा है। तो जैसे ही सब कुछ सेटल हो जाएगा, मेरा पैर ठीक हो जाएगा, मेरा चॉकलेट का बिज़नेस, पार्लर का बिज़नेस का टाइमिंग मुझे थोड़ा सेट हो जाएगा, मैं वापस ज्वाइन करूँगी जिम। उस जिम ज्वाइन करने से पहले एक 15 डेज़ तो मैं पहले वॉकिंग स्टार्ट करूँगी, जैसे ही वॉक स्टार्ट करूँगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी, तो उसके आगे 15 दिन में मैं जिम ज्वाइन कर दूँगी। तो ये है वो आंसर जो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आपने जिम क्यों छोड़ दिया। तो मैंने जिम छोड़ा नहीं है, जस्ट गैप लिया है 2 महीने के लिए ताकि मेरा पैर थोड़ा ठीक हो जाए और उसके बाद मैं वापस जिम ज्वाइन करूँ। जिम छोड़ने के बहुत सारा ये दिख रहा है, मेरे फेस पे दिख रहा है काफ़ी अच्छी तरह से कि जिम छोड़ने के परिणाम क्या होते हैं, और खाने पे तो कंट्रोल है नहीं हमारा, वो कौन बोले। जब जिम जाती थी ना तब सर बहुत स्ट्रिक्ट थे कि नहीं ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, और क्योंकि वो मुझे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते तो उनको पता है कि मैं डिशेस बनाती हूँ नहीं नहीं, तो वो मुझे बहुत स्ट्रिक्टली ये करते थे कि नहीं ये डाइट फॉलो कीजिए, आपको ये खाना है, इतना खाना है। तो वो सही चल रहा था, अभी थोड़ा ऐसा हो गया, बट आई विल बैक विथ माई जिम वीडियोज़। ठीक है, अभी घर चलते हैं, एक 15 मिनट मुझे थोड़ा सा हिसाब वगैरह करना है, थोड़ा क्लीनिंग भी करनी है, क्योंकि देखिए पूरा मैसी हो चुका है पार्लर, क्योंकि क्लाइंट थे, तो अभी थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ, घर जाके आपसे वापस मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स रात हो चुकी है, 11 बजने को आ चुके हैं, और मेरे अवतार से आपको पता चल ही चुका होगा कि मुझे भी बहुत नींद आ रही है, आने के बाद व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि बहुत भूख लगी थी, बहुत जल्दी जल्दी खाना खाया, फिर राज के साथ वैसे बातें नहीं कर पाई थी, तो उसके साथ थोड़ी बातें की, वो भी सोने को चला गया, चिक्की भी सोने को चली गई, तेजू भी सोने को चली गई, अभी मैं भी सोने को चली जाऊंगी। तो मैंने सोचा आपको गुड नाइट बोल दूँ फिर निकलूँ। और पिंटू भी देखिए हमारा यहाँ पे, पिंटू गुड नाइट है एलर को, बालागढ़ स्थित बंगारी, हाँ गुड नाइट एवरीवन, आप लोगों से हम कल मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो में या किसी अच्छे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।